हंसी अच्छी है आपकी, देखो देखो लड़कियों देखो, पसंद आए तो बाहर हाथ में हाथ डाल करके ला 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 निकल लो इनके साथ यार। ठीक है, अगर कोई बाहर आकर के लड़की आपको प्रपोज करे तो हाँ है ना है? दूर से नमस्ते, दूर से नमस्ते। अरे क्या बात बोली है, माइक देना एक बार, ये माइक पे बोलने लायक डायलॉग है, पीछे सुना नहीं है बहुत सारे लोगों ने। हाँ एक बार माइक पे बोल जाओ आप इस बात को। सर लाइफ में सर गोल अचीवमेंट चाहिए ना कि गर्ल्स अचीवमेंट चाहिए? लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। सर कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जब सामने वाले को हम देखते हैं जो मतलब हमें चाहे हम कितने भी उससे बेटर हो पर फिर भी हमें लगता है कि हम उससे कम है, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी की फीलिंग से हम आगे कैसे बढ़ें? आप किसी से ना कम हो ना ज्यादा हो, कुछ चीज़ों में आप किसी से कम हो कुछ चीज़ों में ज्यादा हो, जैसे ही आपका ध्यान जाएगा जिस चीज़ों में आप कम हो उसकी तरफ तो आप परेशान होगे, और अगर आपका ध्यान जाएगा जहाँ पर आप ज्यादा हो उसकी तरफ तो आप एक्साइटेड हो जाओगे। तो दोनों को ही छोड़ दो, यू आर यूनिक, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। एक ऐसा कोट है जो मैंने सुना था जब आप लोगों की एज में मैं था, जिसका मेरी लाइफ के ऊपर बहुत तगड़ा असर हुआ था। उस एक कोटेशन ने मेरी थिंकिंग को एक अलग डायरेक्शन दी थी। दैट वॉज लिव योर लाइफ टूडे एज मोस्ट पीपल वोंट सो दैट यू कैन लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज मोस्ट पीपल कांट। पूरी दुनिया जिस डायरेक्शन में भाग रही होती है, हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम भी पूरी दुनिया की तरह भेड़ बकरियों की तरह भागें तो हमारे साथ भी वही होगा जो उनके साथ होने वाला है, यानी आने वाले 10 साल बाद 20 साल बाद कहीं पर ऐसे ही पड़े हुए होंगे जिंदगी को काट रहे होंगे, या फिर उस टाइम पे हम कुछ ऐसा करें जो कोई नहीं कर रहा है। इट कुड बी एनीथिंग, वो आपको देखना है आप क्या करोगे। तो अगर कुछ भी ऐसा किया और अपना पूरा फोकस गोल पे डाल दिया तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ ऐसी होगी जो बाकी के जो लोग एक डायरेक्शन में भाग रहे थे वो अगर चाहेंगे भी तो वैसी लाइफ जी नहीं सकते, वहां तक सोच भी नहीं सकते, जीना तो बहुत दूर की बात है। सर सक्सेस हार्ड वर्क करके मिलती है, स्मार्ट वर्क करके? स्मार्ट वर्क करके। कैसे? सर डिफरेंस क्या हुआ? स्मार्ट वर्क इंक्लूड्स हार्ड वर्क, कहां पर हार्ड वर्क करना है कहां पर नहीं करना है ये स्मार्ट वर्क का पार्ट है। सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, अगर होता तो रिक्शे वाले सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। मुझे ये पूछना था, कुछ दो तीन दिन पहले ही मेरे साथ एक चीज़ हुई कि मतलब मेरा अकाउंट्स का पेपर था और मैं एकदम से पहला दिन मैंने वेस्ट कर दिया कि ये ऐसे ऐसे करूँगी, पूरा स्केड्यूल बना लिया कि ये करूँगी पर कुछ नहीं हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद ये मैं गुरुद्वारे गई, वहाँ कुछ टाइम बैठी, फिर उसके बाद आई, सब कुछ हो गया। अब ये है कि अगर उस समय पे मैं ये पास में गुरुद्वारा नहीं होता सपोज और मैं नहीं गई होती, नहीं तो फिर उस समय क्या होता? एक मिनट चुप रहो, घर में है ना गुरुद्वारा आपके? देखो गुरुद्वारे जब हम जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो पीसफुल हो जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप कनेक्ट करते हो गुरुद्वारे से। हो सकता है कोई और मस्जिद से करता है, कोई और मंदिर से करता है, तो जहां पर भी जा करके आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। बहुत सारे लोग मेरा सेशन इसीलिए देखते हैं, मुझे कई लोगों के कमेंट्स मिलते हैं कि सर जब रात को नींद नहीं आती ना आपकी वीडियो लगा लेते हैं। तो नींद आए तो मैंने कहा मेरी वीडियो सोने के लिए देखते हो, इसलिए बनाता हूँ, मतलब मैं लोरी सुना रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, मतलब अलग अलग तरह से लोग वीडियोज़ यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर जब आप जाते हो तो माइंड आपका बिल्कुल पीसफुल हो जाता है। जब माइंड पीसफुल हो जाता है तो दैट इज़ द बेस्ट स्टेट टू बी इन, उससे बढ़िया और कोई स्टेट नहीं है, क्योंकि उसके बाद खुद ही आपको अंदर से समझ आने लग जाता है कि मेरे सही क्या है गलत क्या है, और आप लाइफ में सही ट्रैक पर आगे बढ़ने लग जाते हो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें आपकी जरूरत क्यों पड़ती है? आपने यहाँ पे अभी 3 क्वेश्चंस किए। सर आपने अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चंस के आंसर दिए और अभी आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दोगे, तो हमारा माइंड इतना क्लियर क्यों नहीं है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का आंसर खुद निकाल सकें? आप अगर कहीं पर जा रहे हो जहाँ के रास्ते के बारे में आपको कुछ नहीं पता है कि यहाँ पर डेंजर है, ये सही रास्ता है ये गलत रास्ता है, जैसे कहीं पर जंगल में हो आप भटके हुए हो और आपको नहीं पता है, तो कोई बंदा जो उस रास्ते पे चल चुका है अगर उससे आप पूछ रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो तो इसको बेवकूफ़ी नहीं कहेंगे, इसको इंटेलिजेंस कहेंगे। क्योंकि दो तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, एक वो जो खुद गलती करते हैं और उससे सीखते हैं, दूसरे वो जो दूसरों की गलती से सीख लेते हैं, वो समझदार है।
क्योंकि वो उस काम को एक साल में कर सकते हैं जो हो सकता है सामने वाले को करने में 20 साल लगे। तो आप एक साल में वो कर सकते हो, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 10 साल में वो कर सकते हो जो मुझे करने में 20 साल लगे। मैंने बहुत कर लिया ना। सेल्फ लव की इंपॉर्टेंस क्या है सक्सेसफुल होने में? जो आप करना चाहते हो अगर वो ही करते हो तो उसका मतलब क्या है कि यू आर इन लव विद व्हाट यू आर डूइंग। सो लव को डोंट इमेजिन कि भाई कि कुछ सेल्फ लव है तो मतलब बैठ करके अपनी स्किन को ऐसे टच करो क्या बंदा है कितना प्यारा है अरे अरे शीशे में देख रहे हो निहार रहे हो, दैट इज नॉट सेल्फ लव, दैट इज फूलिशनेस। तो व्हाट इज सेल्फ लव? इफ यू आर डूइंग समथिंग व्हिच यू आर पैशनेट अबाउट तो यू आर इन लव विद व्हाट यू आर डूइंग। इफ यू आर इन लव विद व्हाट यू आर डूइंग यू आर बाउंड टू सक्सीड। हमारे पेरेंट्स आर आर वेल विशर्स, वो हमारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोच सकते, बट आप ये भी कहते हो हमारी गट फीलिंग जो होती है वो सही होती है हमारे लिए, बट समवेयर बैक ऑफ द माइंड हमें ये भी पता होता है कि हमारे पेरेंट्स उस लर्निंग फेज से जा चुके हैं जिससे हम अभी जा रहे हैं, तो हम क्या करें जो हमारी गट फीलिंग कह रही है या जो पेरेंट्स कह रहे हैं? पेरेंट्स आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे, हमेशा आपके अच्छे के लिए सोचेंगे। आपकी गट फीलिंग गलत भी हो सकती है, जैसे गट फीलिंग में आप ये भी कह सकते हो मेरी गट फील कह रही है कि आज तो मुझे गांजा लेना ही है, आज तो मैं 300 की स्पीड पर गाड़ी चलाऊं, मेरी गट फील कह रही है। तो यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो गट फील को कनेक्ट करो पहले सही से, तो आपको पता है कि ये मेरी गट फील है और ये सही है। तो अगर आप सही सोच करके अपनी गट फील के बेस पे एक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में और आउटकम गलत भी आता है तब भी वो सही है, क्योंकि एटलीस्ट आपने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली, बजाय ये कि किसी और के हिसाब से, फिर वो और चाहे कोई भी हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे दुनिया हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, वो आपको बताता जा रहा है और आप आगे चलते चले जा रहे हो, तो आप एक कठपुतली बन जाओगे। सो डोंट बी अ पपेट इन योर लाइफ, बी अ ह्यूमन बीइंग हु हैज गॉट द करेज टू एक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द आउटकम इज। तब आप लाइफ में एक ऐसा दिन आ सकता है जब पूरी तरह से अपनी जो लाइफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने हाथ में ले सकते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्लेम गेम खेलते रहोगे मरते दम तक, कि आज मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे बाप की वजह से हो रहा है, मेरी माँ की वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, चाहे सही हो रहा है चाहे गलत हो रहा है। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। सर मेरा सवाल है कि जैसे कि हम कितने भी अच्छे हों लेकिन जो हमारा गुस्सा होता है ना वो हमारी सारी अच्छाई, जैसे आप कहते हैं, तेल लेने चली जाती है अगर गुस्सा आ जाता है, तो हमारी सारी अच्छाई एकदम बेकार हो जाती है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा है। टीन अपना फोन फेंक देते हैं, मम्मी पापा पे गुस्सा करते हैं, आपको तो पता ही है, मुझे तो पता ही है, मतलब मेरे बच्चे भी मेरे पे करते हैं। सही है, अगर सॉल्यूशन दे सकते सर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू, अरे मैं हूं सर। गुस्सा क्या है? बेसिकली एनर्जी है। हमारे पास में दो ऑप्शंस है, या तो चाहे तो गुस्से के थ्रू उसको एक्सप्रेस करें, या फिर उस पूरी एनर्जी को जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स हैं, उसको पूरा करने में लगा दें। दिस चॉइस इज एंटायरली योर्स। गुस्सा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे भी कई सेशंस में आपको एग्रेशन नजर आएगा। सो दैट एग्रेशन इज देयर इन एवरीबडी, दैट एग्रेशन इज नॉट बैड, दैट एग्रेशन इज एनर्जी। तो एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के दो तरीके हैं, एक है कि थ्रू एंगर, या फिर है अपना जो भी आप काम कर रहे हो वहां पर अपनी पूरी एनर्जी लगा दी आपने। थैंक यू सर। हमारी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स होते हैं एंड हम कुछ फेलियर्स होते हैं उनसे हम डील कर सकते हैं, बट बहुत सारे फेलियर्स होते हैं जिनसे हम डील नहीं कर सकते, और उस जगह उस टाइम पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, उस टाइम पर हमें कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में, चाहे कितना भी बड़ा फेलियर हो, चाहे कुछ भी हो जाए, जिससे आप डील नहीं कर सकते। पहले तो जो आपने गलत कहा उसको ठीक करो अपने माइंड में, क्योंकि जैसा हम खुद को बोलते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लग जाता है। तो अगर बोलना ही अपने आप को ये बोलो कि अरे फेलियर क्या होता है, कोई भी फेलियर हो, किसी भी लेवल का हो, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, मैं उसे डील कर सकती हूँ, इतना ही बोलना काफ़ी है। यहीं से आपको स्ट्रेंथ मिलने लग जाएगी कुछ भी लाइफ में हो रहा है उससे डील करने की, क्योंकि अगर आप बोलते हो कि हम डील नहीं कर सकते तो उसके बाद में बाहर से चाहे कोई भी कुछ भी करता रहे, मेरे जितने मर्जी सेशंस देख लो सब कचरा है,
सब बकवास है, बाहर से कोई भी आकर कुछ भी बोलता रहे सब बेकार है। मेरे ये सेशंस पता है कब काम के हैं आप लोगों के लिए? जब आप यहाँ पर आए हो, बैठे हो और अपने आप के अंदर ये बोल रहे हो कि हाँ मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ और मैं बदल के रहूंगा। अब मुझे सुन रहे हो तो फायदा है, बट अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरी तो जो प्रॉब्लम्स है मैं उसे ये नहीं कर सकता, सब बकवास है, टाइम पास है। सर एक्चुअली मैं अपने करियर में बिजनेस फील्ड की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, तो उसमें हमें मतलब सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरी बहुत अच्छी नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? जैसे कि मुझे एक प्रोडक्ट बेचना है तो मैं उसको कैसे इंप्रूव करूँ कि कस्टमर बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाए कि वो प्रोडक्ट खरीद ले? प्रैक्टिस करते रहो, उसके बारे में सोचने से कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं होती हैं, प्रैक्टिस। सर जैसे मैं कुछ करती हूँ तो फिर मतलब लोग सामने से नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि तू सही नहीं कर रही है, तो मैं डिमोटिवेटेड फील करती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी आप एक्चुअल में सही नहीं कर रहे हो। आपने मेरा पहला सेशन देखा है? इतना वाहियात है कि देखोगे तो आंखों से खून के आंसू टपकेंगे। तो इसका मतलब क्या था? मैं सही नहीं कर रहा था तो पूरी दुनिया मुझे कह रही थी मैं सही नहीं कर रहा था, मुझे भी पता है मैं सही नहीं कर रहा था, लेकिन आज तो सही कर रहा हूँ। अरे दिल रख लिया आप लोगों ने, मेरा दिल जीत लिया। 5 मिनट के लिए और चलेगा ये सेशन। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर प्रैक्टिस करते रहे, अपनी जो स्किल्स हैं उसको इंप्रूव करने की, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने की, अपनी सेलिंग स्किल्स को इंप्रूव करने की, कहीं किसी बुक में पढ़ा, फिर उसमें जो पढ़ा उसको अप्लाई किया, फिर कुछ गलतियां करी, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते रहे तो आज नहीं तो कल कमाल के कम्युनिकेटर बन जाओगे। थैंक यू सर। सर मैं 10th की स्टार्टिंग से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और सर मैं काफ़ी बार उसमें फेल हुआ, बट सर एक मोटिवेशन थी जो आप देते रहे, लेकिन सर तब भी अगर आज मैं आपका सेशन देख लूँ जब तक मैं घर जाऊँ या फिर से मैं फेल हो जाऊँ तो डीमोटिवेट हो जाता हूँ, तो सर असल में रियल मोटिवेशन है क्या? देखो जो भी मैंने अपनी लाइफ में किया कुछ ना कुछ तो अचीव किया ही है ना, यस नो? तो मेरे पास में कोई संदीप महेश्वरी था नहीं था, तो जिसने करना है वो करेगा, जिसने नहीं करना है, मेरे जैसे लाख बंदे भी आकर के उसके सामने खड़े हो जाएंगे, वो नहीं करेगा। साफ कहना, सुखी रहना। हेलो सर, सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि हम किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, सर वो हमारी लाइफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हम उसको समझा नहीं पा रहे कि जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, सर इसका आंसर क्या है? कौन है वो लड़की? ऐसा कभी कभार हमारे पेरेंट्स के साथ भी होता है और सर फ्रेंड्स के साथ भी होता है, हाँ सर उसको कैसे समझाए और वो सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए? तो उसको क्लियर करने का, हो सकता है वो बंदा या बंदी जो भी है वो आपको फेस टू फेस देखना भी नहीं चाहता है या चाहती है, अब क्या करे? लिख दो, कबूतर जाए जाए जा। लिख करके कबूतर के पैर में अटका दो, जा करके फड़फड़ाता हुआ जाएगा वहां पे, दे देगा, मेल पे कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, अब तो बहुत ऑप्शन है हमारे पास में। बट फिर भी अगर सामने वाला जो पर्सन है अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में तो जस्ट लेट इट गो, क्योंकि अगर उस लाइन को आप क्रॉस करते हो तो अब आप उसको पर्सन को तंग कर रहे हो। ये मैं इनके थ्रू बोल रहा हूँ लेकिन सारे लड़कों को बोल रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैं भुगत चुका हूँ। अब आप कहोगे मैं कैसे भुगत चुका हूँ, समझाऊंगा, हाँ सुनो मैं कैसे भुगत चुका हूँ। कुछ लोग होते हैं जो सो कॉल्ड फैंस अपने आप को बोलते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो क्या करते हैं, जैसे मेरा ऑफिस है, मैं कभी ऑफिस में जाऊँ पीछे पीछे भाग रहे हैं कि सर ये सर वो सर वो, मैं उनको कह रहा हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, फिर भी सर 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 सर। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि लड़कियों के ऊपर क्या बीतती होगी जब ऐसे फुकरे पीछे भागते हैं। आता नहीं गुस्सा, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कितनी लड़कियां एग्री करती है मेरी इस बात से, सब एग्री करती हैं। तो ये मैसेज है सब लड़कों के लिए, इफ द अदर पर्सन सेज नो तो जस्ट टेक इट फॉर नो एंड जस्ट स्टे, अगर उसके बाद भी वो इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में तो वो खुद आएगी। तो रिस्पेक्ट द अदर पर्सन प्राइवेसी एंड द राइट टू से नो। सर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इतना डिफरेंट बनाती है? सर की बॉडी। बॉडी नहीं सर की बॉडी। मुझे डिफरेंट ये बनाता है कि मैं लाइफ में कहीं पर भी अटकता नहीं हूं,
लोग होते हैं वो अटक जाते हैं, जो चाहते हैं वो उनको मिल जाता है तो अटक जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाती है उनकी लाइफ, जो चाहते हैं वो नहीं मिलता तब भी अटक जाते हैं, बैठ करके रोने लग जाते हैं। मैं जो चाहता हूं वो चाहे मुझे मिले चाहे ना मिले, नहीं मिलता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां से मैं सीख लेता हूं, और मिल जाता है तो उसको मैं उठा करके कचरे के डब्बे में डाल के आगे बढ़ जाता हूं। तो आई कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम, जैसे एक पेड़ है वो बढ़ता रहता है, जैसे ये नेचर है, ये यूनिवर्स है, तो मैं एक रुका हुआ पानी नहीं हूं। जैसे किसी बॉटल में कोई रुका हुआ पानी है, चाहे वो सोने की बॉटल है चाहे वो कोई नाली है, कहीं पर भी रुक गया है पानी जाकर, मैं एक बहती हुई नदी के जैसा हूं। यही मुझे अलग बनाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको ये दे सकता हूं बेस्ड अपॉन माय अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, कि कभी भी खाली मत रहो, कुछ भी करो। Moment you bring something in practice, either you will succeed in it or you will fail. So whether you succeed or you fail, you need to let it go and keep on building your practice. गलतियां करो but learn from it. सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ लिया, समझ गए, कि मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, whatever, आपने टॉप कर दिया कहीं पर, तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट। सिर्फ वो स्टेबल है इस पूरी दुनिया में जो इस बदलती हुई दुनिया को यानी कि चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग चेंज होता चला जा रहा है, उस चेंज होने को क्रिएटिविटी कहते हैं। सिचुएशंस जब बदलती है उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेना और बड़ी तेजी से बदल लेना ही क्रिएटिव थिंकिंग है। से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपका बेसिक नेचर अगर खुश रहने का है तो आप कहीं भी खुश रह लोगे, और बेसिक नेचर दुखी रहने का है तो आपको कुछ भी दे दिया जाए, एक महल में भी ले आकर के बिठा दिया जाए वहां भी रोते रहोगे कि क्या मेरे को महल में कैद कर दिया, अबे महल में है कैद क्या होता है, समझ गए। और जिसका खुश रहने का है वो झुग्गी झोपड़ी में भी खुश है, गणपति राम है दे धड़ाधड़ नाच रहा है, मस्त होते हैं ऐसे लोग, कभी देखना आप, मतलब जिसका मस्त रहने का नेचर है वो मस्त ही है, और जिसका दुखी रहने का है वो कुछ भी उसको मिल जाए कुछ भी वो कर ले वो दुखी ही रहेगा। तो आपको देखना है कि मेरे को अपना बेसिक नेचर कैसा बनाना है, अपनी इंटेंशंस हमेशा सही रखनी, ऑनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स में इससे बड़ी चीज और क्या होगी। आपके बोलने की पावर इतनी अच्छी नहीं है, आप बोलते अच्छे से नहीं हो लेकिन आप बिल्कुल ऑनेस्ट, आपकी इंटेंशन अच्छी है उस बंदे को लेकर के, खराब नहीं है तो आपकी आंखों में दिखेगा, सामने वाले को समझ आ जाएगा, वो वाइब्रेशंस उसको पकड़ में आ जाएगी, वो फील कर लेगा, कहेगा कि हाँ यार ये जो बंदा है ना ये इन सारी टेक्निक्स को यूज तो कर रहा है लेकिन अल्टीमेटली मेरे अच्छे के लिए कर रहा है। किसी करियर में कुछ पड़ा नहीं है, हमारे ऊपर है उस करियर को हम किस लेवल तक ले जा सकते। कबाड़ी का भी काम है ना, तो आपको करोड़पति कबाड़ी भी मिल जाएंगे अगर ढूंढोगे तो, अरबोपति भी मिल जाएंगे, आप समझ गए। तो ये नजर है देखने की, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या लाइफ में कुछ बड़ा कर जाते हैं ना उनकी नजर औरों से अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। और लोग क्या होते हैं वो यही सोचते रहते हैं कि कहीं कुछ बड़ा आएगा तब मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा, वो ये नहीं समझ पाते हर बड़े की शुरुआत छोटे से होती है। लोग ये समझ लेते हैं कि हम सक्सेसफुल तब होंगे लाइफ में जब हम कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे, जब हम कभी फेल ही नहीं होंगे, जब हम कभी कोई गलतियां ही नहीं करेंगे, जब हम कभी गलत ट्रैक पे नहीं चलेंगे। सब कुछ करते हैं अचीवर्स भी, सक्सेसफुल लोग सारे दुनिया जहान के गलत काम करते हैं, आपसे ज्यादा करते हैं, बट फर्क क्या है वो इंपॉर्टेंस देते हैं अपने सही कामों को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप क्या बोल रहे हो औरों को, या बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहे हो कि मैं तो ये करने वाला हूं, मैं तो ये करने वाली हूं, मैं ये कर जाऊंगा, नेवर गिव अप, ये वो व्हाटएवर, करेज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, इसको ध्यान से समझना, कि जब आप अकेले में हो तब आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हो। अकेले में 24 घंटे जो आप अपने अंदर ही अंदर अपने बारे में बोलते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो, वैसा ही
आपके साथ में होता है, क्योंकि उसी लेवल के आपके एक्शंस होते हैं, उसी लेवल की आपकी एनर्जी होती है। आई गो बाय माई चॉइस, या तो मैं किसी काम को करूंगा ही नहीं, बट इफ आई चूज टू डू समथिंग देन फिर मेरे लिए फेलियर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बात सुन करके नहीं, लेकिन किसी दिन मेरे अंदर से ही आ गया कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अब कैसे नहीं रोक सकता? अब आप कहोगे नहीं नहीं हम तो रोक देंगे जी, हम हंसेंगे नहीं। नहीं हंसोगे? एक बार फेल होऊंगा, दो बार होऊंगा, 100 बार होऊंगा, 1000 बार होऊंगा, 1001वीं बार ऐसी एंट्री मारूंगा हंस हंस के आपका बुरा हाल होगा।